हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फिशिंग ब्लॉग और मैं हूं आपका दोस्त विशाल वर्मा। आज मेरा पेट का एग्ज़ाम है जो UP SSSC से है और लखनऊ सेंटर गया है, तो चलते हैं फिर देखते हैं। गाइस, मैं लखनऊ आ गया हूँ और बिटोली चौरा से दूसरी बस में बैठ गया हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक बस है और ये फुल्ली एसी है। काफ़ी बढ़िया बस बनाई गई है और अपने एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए फिर। गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ, सेंटर जाने से पहले मैं अपने दोस्त सत्यम के यहाँ स्टे करूँगा जो कि उसका घर है, यहाँ बचपन का दोस्त है और उसने लेटलॉन्ग भेजा है अपना और मैं उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। चलिए फिर देखते हैं। Take the next left toward Dubbing the road, then turn right onto Dubbing the road. मुझको बस यहीं छोड़नी पड़ेगी और वो बाइक लेके आ रहा है। गाइस, एग्ज़ाम देने से पहले फ़िलहाल मैं अपने दोस्त सत्यम के जा रहा हूँ और वो फ़िलहाल मुझको लेने आ रहा है। चलिए देखते हैं कब आता है, फ़िलहाल मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर। सामने से आ रहा है मेरा दोस्त और इसी बाइक से हम जाएंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं इसके घर, उसके बाद एग्ज़ाम देने चलेंगे। ठीक दोस्त, फिर एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। ओफो, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। अब बताइए इसमें बैग कैसे निकाला जाए। देखिए, पुलिस वाले भैया यहाँ खड़े हैं दरोगा महाराज और देख रहे हैं लेकिन कुछ करेंगे नहीं, इनको खुद ही डर लग रहा है। ये देखिए कितने डरे। गाइस, UP SSSC वालों ने जो ये पेट का एग्ज़ाम करवाया है उसके लिए बहुत ही वाहियात सेंटर चूज़ किया है क्योंकि इसमें लाइट चली जाने के बाद कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी और विंडो तो थी ही नहीं जिससे कि पानी बरस रहा था, बारिश आ रही थी और सब अंदर आ रहा था और सबकी बुकलेट भीग रही थी। चलिए गाइस, फिलहाल एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन बहुत कठिनाइयों से बैग मिला है। आपको मैं दिखा दूँ कि कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी गई है और भीड़ को सही करने। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग अब वापस चलते हैं सत्यम से मिलके, फिर बरेली की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बैग लेने में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दशा है यहाँ पे, स्कूल के अंदर जाने में बहुत बेकार गलियाँ हैं। गलियाँ क्या, यहाँ तो बिल्कुल भी निकलने के जगह ही नहीं है। अब कहाँ से निकला जाए, ये देखिए तो निकलने का बिल्कुल जगह ही नहीं है। अरे उधर पानी भरा है। तो दूसरी तरफ से चलते हैं और इधर से देखते हैं रास्ता है कि नहीं। ये पीछे आप देख सकते हो यही सेंटर था और इधर साइड में हम लोग चल रहे हैं। सभी लोग यहीं से निकल रहे हैं और देखिए कितना जाम लगा हुआ है और देखते हैं फिलहाल यही जाम है कि आगे भी जाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे तीरी, तो ये तो जाम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ओ माय गॉड, कभी भी यहाँ पे जाम नहीं लगता था, इस टाइम ऐसी नौबत आ रही कि मार जाम पे जाम लगता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, इस रूट पे कभी भी जाम नहीं लगता था और ये आज क्या हालत हो रखी है बताइए। चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के बाद ये भी रास्ता खाली हो जाएगा। चलिए हम लोग पारा की तरफ फ़िलहाल बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं हर जगह पे ही जाम दिख रहा है, कोई रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ जाम ना हो। पैदल चलने का भी बिल्कुल रास्ता बंद हो रखा है, मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा हूँ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, हम लोग देखते हैं कहाँ क्या चीज़ है। फिलहाल फाइनली मैं घंटों बाद जाम से निकल चुका हूँ और अब मैं बुद्धेश्वर की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिलहाल हम लोग सत्यम के मिल के फिर उसके बाद चलेंगे बरेली और कल मुझे ड्यूटी भी पकड़ना है। और आपने तो देखा कोई व्यवस्था सही नहीं थी
यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी बेकार व्यवस्था मैंने कभी आज तक ही नहीं देखी। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग सत्यम क्या चलते हैं, उसके बाद कुछ फ्रेश व्रेश होके उसके बाद फिर बरेली चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर गाइस, मैं लखनऊ से बरेली जाने वाली बस में बैठ चुका हूँ। एसी बस है और काफ़ी मुझे थकान भी आ रहा है, तो मैं बैठते बैठते हो सकता है सो जाऊँ। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आगे। फिलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और सुबह के 5 बज गए हैं और अभी मुझे रेस्ट भी करना है। सुबह उठ के 7 बजे ड्यूटी भी मुझे जाना है। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और फिलहाल अब मैं सो जाता हूँ और फिर कल उठ के मुझे एडिटिंग भी करनी है और शायद लेट से मैं वीडियो डाल पाऊँ। चलिए फिर, हालाँकि पेपर तो आपने देखा, पेपर तो कुछ खास फिलहाल इतना नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं दिखा दूं सेंटर भी कितना बेकार वाहियात सेंटर था। कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पानी वहाँ गिर रहा था, बच्चे कैसे एग्ज़ाम देते वो तो मैंने देखा ही, और कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं शुद्ध थी, पंखे वगैरह नहीं सही चल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब सरकार देखिए क्या करती है क्या नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मैं फिर मिलता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।